गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डी ब्रॉगली का इलेक्ट्रॉन का तरंग प्रकृति के बारे में पढ़ा था और उसका सत्यापन भी किया था। अब हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग का क्वांटीकरण और डी ब्रॉगली समीकरण। बोहर ने अपने मॉडल में अपनी एक मान्यता में कहा था कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हमेशा क्वांटीकृत होता है। उसका मान mvr = nh/2π होता है, जहाँ n एक पूर्णांक है, होल नंबर है, पूर्णांक है। ये n पूर्णांक क्यों है, इसको बोहर नहीं समझा सका। इसको डी ब्रॉगली ने अपनी तरंग सिद्धांत के आधार पर समझाया। डी ब्रॉगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो उनके साथ में तरंगे जुड़ी होती हैं, और जिस स्थान पर वो गति करते हैं वहाँ उनकी तरंगे हैं वो पूर्ण होती हैं। तरंगों का तरंग दैर्ध्य समाकलन गुणांक होता है, वो पूर्ण होता है। जहाँ पर वो समाकलन गुणांक नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा और वहाँ पर कक्षक नहीं बनेंगे। तो बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ उस स्थान पर गति करता है जहाँ पर उस नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित स्थान पर गति करता है, जो उसने कहा कि उसने उसको कक्ष कहा, और उसने कहा कि ये कक्ष नाभिक से निश्चित दूरियों पर बनते हैं। उसने ये नहीं समझाया कि कक्ष निश्चित दूरियों पर क्यों बनते हैं। उसको डी ब्रॉगली ने समझाया कि जहाँ पर कक्ष बनेंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गति करेगा, वो स्थान होगा जहाँ पर उसकी तरंग दैर्ध्य पूर्ण होगा, उसका मान समाकलन गुणांक होगा, होल पूर्णांक होगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 होगा, कभी वो 4.5, 5.5, 3.5 नहीं होगा। इस जगह पर जहाँ पर उस स्थान पर नाभिक के चारों तरफ जहाँ पर उसकी तरंगें कला में नहीं होती, पूर्ण नहीं होती उनके तरंग दैर्ध्य, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता। इलेक्ट्रॉन उसी स्थान पर गति करता है जहाँ पर उसका तरंग दैर्ध्य पूर्ण होता है और कला में होता है। तो कक्षक निश्चित स्थान पर इसलिए बनते हैं कि वहाँ पर उनके साथ में जुड़ी हुई तरंगों का तरंग दैर्ध्य समाकलन गुण तरंग दैर्ध्य का मान समाकलन गुणांक होता है, या वहाँ पर उनकी तरंगें कला में होती हैं। डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी स्थान पर किसी कक्ष में गति कर रहा है तो क्योंकि उसमें उसके तरंग दैर्ध्य का मान समाकलन गुणांक होगा, तो उसका परिधि 2πr हमेशा n लैम्बडा होगी। n यहाँ पर पूर्णांक है जिसका मान 1, 2, 3, 4 होगा। अगर ऐसा करने पर इस समीकरण में 2πr = nλ में अगर हम डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का मान डी ब्रॉगली समीकरण से रखते हैं, तो डी ब्रॉगली समीकरण में तरंग दैर्ध्य h/mv के बराबर होता है। सो 2πr = h/mv होगा, और इस हम समीकरण को लिख सकते हैं mvr = nh/2π। तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हमेशा क्वांटीकृत होता है, nh/2π के बराबर होता है, ऐसा बोहर ने माना था अपनी मान्यता में। पर ये मान कहाँ से आया उसको बोहर सिद्ध नहीं कर पाया, उसको डी ब्रॉगली का तरंग सिद्धांत सिद्ध कर पाया। तरंग समीकरण के आधार पर h/mv होने पर, क्योंकि 2πr = nλ होता है, तो हम लिख सकते हैं mvr = nh/2π। तो क्वांटीकरण के इस मान को डी ब्रॉगली के तरंग प्रकृति द्वारा सिद्ध किया गया। थैंक यू। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनिश्चितता का सिद्धांत।